अनाथ का मतलब समझते हो? चुपके चुपके जिसका कोई नाथ नहीं होता। एक खिलौना तुम लोग है कि नहीं है, है सबने किसी को नहीं पता। सोशल ऑडिट में आया मैडम कि मुनव्वरपुर बालिका गृह में बच्ची सबके साथ दुष्कर्म होता। क्या रिपोर्टिंग कर रही हो तुम आजकल और कौन से बालिका गृह के चक्कर में हो? फोटो वोटो खींच रहे हैं आप तो? बिना काम के आना मना है यहाँ। चलिए निकलिए। अगर 2-3 महीने से ये रिपोर्ट सरकार के पास है और सरकार कुछ नहीं कर रही तो बंसी साहू की पहुँच कहाँ तक है तुम्हें समझ में आ रहा है ना? आप तो एकदम हमारे पीछे पड़ गई हैं। सच खोजने का कोशिश कर रहे हैं और उसमें तो कुछ गलत है नहीं। काहे आत्महत्या करना चाहती है? कोई भी मीडिया हाउस इस खबर को चला नहीं रहा और ना ही इस पर कोई खोजबीन हो रही है। एक तो इतना मुश्किल से मंत्री पद मिला है, पता नहीं कहाँ फंसा दिए हैं। हाथ भी मत लगाना उसको। अरे रिपोर्टर है इसीलिए चुप बैठे हैं, नहीं तो गला काट कर रेलवे की पटरी में डाल दिए होते अब तक। आज तो और लड़की को लेके गए, कल तुमको लेके जाएंगे। पूरा ताकत झोंकना है भास्कर जी, उन बच्चियों को इंसाफ दिलाना। ज्यादा उम्मीद मत रखना, केस बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। अरविंद उन छोटी बच्चियों के साथ गलत काम कर रहा है बंसी साहू, समझ रहे हो तुम? हमारे घर की बच्ची के साथ कोई गलत कर रहा है नहीं तो कहाँ इमोशनल हो रही हो? जब तक दूसरे के घर में गलत हो रहा है तब तक कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन ये याद रखना अरविंद कि अगर दूसरे की बेटी के साथ गलत हो रहा है तुम्हारी बेटी के साथ भी होगा, इसलिए बोलना पड़ेगा अरविंद। आज बंसी साहू का कुंडली लिखेंगे हम। दूसरों के दर्द में दुखी होना भूल गए हैं क्या? क्या अब भी आप अपनी गिनती इंसानों में करते हैं या अपने आप को भक्षक मान चुके हैं?